जी बेटे, मैं आपके साथ अगेन स्लाइड शेयर कर रही हूँ। जी हम यहाँ पर, बेटे मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सबको? जी हम यहाँ पर बात कर रहे थे मैनी टू वन रिलेशन की हमने बात की, जिसमें लेफ़्ट साइड पर हमारे नंबर ऑफ जो है वो इंस्टेंस हो सकते हैं, नंबर ऑफ जो है एक एंटिटी के नंबर ऑफ इंस्टेंस क्रिएट हो सकते हैं, एंड देन हमारे पास वन कोर्स लाइक एम्प्लॉय वन है और उसका नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो हैं वो एक डिपार्टमेंट के साथ कंसर्न हो सकता है। अच्छा बेटे, अब यहाँ पर हम आ गए, आई थिंक हमने रिलेशन में वन टू वन रिलेशन जो है वो डिस्कस की है, जिसमें वन टू वन रिलेशन बन सकता है, लाइक एक एम्प्लॉय जो है उसका कंसर्न एक डिपार्टमेंट से ही हो सकता है या एक एम्प्लॉय जो है वो एक डिपार्टमेंट को ही मैनेज कर सकता है। वन टू मैनी में क्या था कि हमारे पास लेफ्ट साइड पर जो इंस्टेंस ऑफ एंटिटीज आएंगे वो जस्ट वन होगा, एंड जो हमारे पास राइट साइड पर आएंगे एंटिटी के इंस्टेंस वो मोर देन वन हो सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई इस रिलेशन को हम कहेंगे वन टू मैनी रिलेशन। देन बेटा हमारे पास आ गया था मैनी टू वन रिलेशन। बेटा मैनी टू वन रिलेशन ऐसे रिलेशन को कहते हैं, ऐसी एसोसिएशन को कहते हैं जिसमें लेफ़्ट साइड पर हमारे पास एंटिटी के मोर देन वन और मल्टीपल इंस्टेंस आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास राइट साइड पर ओनली वन जो है वो इंस्टेंस आएगा। लाइक स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो एक कोर्स को स्टडी कर सकते हैं या एक कोर्स में इनरोल हैं। इसी तरह से ही हमारे पास मैनी टू वन की अनदर एग्जांपल थी, जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो हैं बहुत सारे, लाइक मल्टीपल एम्प्लॉय जो हैं वो एक डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, लाइक एक डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपका डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईटी डिपार्टमेंट है, और उसमें नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर जो हैं वो बिलोंग कर सकते हैं। ये आपकी बेटा एग्जांपल थी मैनी टू वन रिलेशन की। देन फर्दर बेटा हमारे पास आ गए हैं मैनी टू मैनी रिलेशन। बेटे मैनी टू मैनी रिलेशन हम ऐसे रिलेशन को कहते हैं जिसमें हमारे पास बोथ साइड पर नंबर ऑफ एंटिटी के, एक एंटिटी के नंबर ऑफ इंस्टेंस बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पर आ सकते हैं, ठीक है। लाइक आपके पास नंबर ऑफ इंस्टेंस जो है, नंबर ऑफ इंस्टेंस लाइक एम्प्लॉय है तो आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो हैं वो हो सकते हैं, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो हैं उनको नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स भी असाइन किए जा सकते हैं। ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं कि यह हमारा मैनी टू मैनी रिलेशन है। बेटे पहले हमने वन टू वन पढ़ा, वन टू मैनी पढ़ा, और उसमें पढ़ते गए लाइक वन वन टू मैनी है तो लेफ्ट साइड पर जस्ट वन एंटिटी का एक एसोसिएशन आएगी, एक हमारा इंस्टेंस आएगा, एंड देन हमारा जो है राइट साइड पर वन टू मैनी के केस में राइट साइड पर हमारा मोर देन वन इंस्टेंस जो है, एक एंटिटी के मोर देन वन इंस्टेंस भी आ सकते हैं। सेम एज बेटे यहाँ पर मैनी टू मैनी रिलेशन में क्या है कि हमारे पास दो एंटिटीज हैं और दो एंटिटीज के दरमियान मैनी टू मैनी रिलेशन क्रिएट करना है, ठीक है बेटे। तो मैनी टू मैनी रिलेशन जो है बेटा, इसको इंडिकेट करने के लिए एम और एन दोनों सिंबल्स, दोनों जो अल्फ़ाबेट हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं, और इसका मतलब ये है कि आपकी दोनों एंटिटीज के जो इंस्टेंस हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं। लाइक आपकी यहाँ पर एग्जांपल है, एम्प्लॉय कैन असाइन बाय मैनी प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट कैन हैव मैनी एम्प्लॉय। एक जो जो हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनको नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं वो असाइन किए जा सकते हैं, ठीक है। एज वेल एज प्रोजेक्ट कैन हैव मैनी एम्प्लॉय, और एक प्रोजेक्ट के जो है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक हो गया बेटे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, स्टूडेंट्स में बिलोंग टू मोर देन वन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हमारा जो स्टूडेंट इंस्टेंस है वो मोर देन वन जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उससे बिलोंग कर सकता है, एज वेल एज वन ऑर्गेनाइजेशन कैन एडमिट मोर देन वन स्टूडेंट। और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी मोर देन वन स्टूडेंट, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो हमारे एग्जिस्ट कर सकते हैं। दोनों एंटिटीज में हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंस आ सकते हैं। जी बेटे यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है आपको रिलेशंस में तो आप जल्दी से बताएं।
हमने फोर टाइप के रिलेशन डिस्कस किए हैं, इन चारों में कोई ऐसा रिलेशन जिसकी आपको समझ ना आई हो? बेटे स्टूडेंट टू कोर्स की आप किस तरह से उस्मान कह सकते हो? इस तरह हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और नंबर ऑफ कोर्सेज हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो नंबर ऑफ कोर्सेज को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ कोर्सेज जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जो है एलोकेट किए जा सकते हैं। ऑब्वियसली ये एग्जांपल बन सकती है, लेकिन बेटा उस्मान यहाँ पर जो है ना वो आपको सिनेरियो के अकॉर्डिंग कुछ जो है वो लॉजिक बनानी पड़ती है, ठीक है? जो आपके पास स्टेटमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप एग्जाम्पल जो है बेटे आज काफ़ी ज़्यादा इशू है नेटवर्क का, जिसकी वजह से बार बार जो है वो मैं डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ, लेकिन चलें जी। उस्मान आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स का मैनी टू मैनी रिलेशन बन सकता है, तो बेटे स्टूडेंट्स लाइक नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट जो है वो नंबर ऑफ़ कोर्सेज जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं, लाइक ऐसा जो है वो सीन क्रिएट हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ़ कोर्सेज जो हैं वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, लाइक इस तरह का अगर आपके पास कोई सिनेरियो आता है तो आप उस सिनेरियो को कह सकते हैं कि यहाँ पर मेरा मैनी टू मैनी रिलेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है? लाइक आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो असाइन किए हुए हैं, लाइक 15 स्टूडेंट हैं और 15 स्टूडेंट को जो है वो 15 प्रोजेक्ट्स में इंगेज किया हुआ है, ठीक है? तो वो 15 जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ओवरऑल स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, और जो आपके बोथ साइड पे 15 स्टूडेंट हैं और 15 प्रोजेक्ट्स हैं, तो दोनों साइड पे आपके स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हैं और आपके प्रोजेक्ट्स भी इन्वॉल्व हैं, लाइक इस तरह का जो सिनेरियो है उसको आप कह सकते हो कि आपका मैनी टू मैनी रिलेशन क्रिएट हो रहा है। बेटे आपको एग्ज़ाम में ये एज अ स्टेटमेंट आएगा और आपने उसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है? अगर आप इंटरनेट से सर्च कर लें तो आपके पास मल्टीपल जो हैं इस तरह के एग्जांपल आ जाती हैं, आपने इस पर खुद से वर्किंग करनी है, ठीक है? नेक्स्ट बेटा ये हमारे पास कुछ ईआर नोटेशंस हैं, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी कि एंटिटी के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है, एट्रीब्यूट के लिए, रिलेशन के लिए, वीक एंटिटी के लिए, मल्टी वैल्यू वेरिएबल और वीक रिलेशन के लिए, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं इसलिए मैंने इसको बस जल्दी से गुजार दिया। अब बेटा यहाँ पर हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है? कंस्ट्रेंट्स जो है ना वो दो तरह के हैं। कंस्ट्रेंट्स आपके पास एक तो मैंडेटरी आएगा एंड सेकंड वन जो है आपके पास ऑप्शनल आएगा, ठीक है? कंस्ट्रेंट्स बेटा आपके पास दो तरह के आएंगे, कंस्ट्रेंट्स आपके पास मैंडेटरी और ऑप्शनल, ये दो तरह के कंस्ट्रेंट आएंगे बेटा। कंस्ट्रेंट्स आप कहते हैं स्पेसिफिक रूल को, डेटाबेस में जिन रूल्स को फॉलो किया जाता है, या आप स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज में जो रूल्स को फॉलो करेंगे उनको आप कहते हैं कि आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं। बेटा कंस्ट्रेंट्स की दो टाइप है, मैंडेटरी, मैंडेटरी में फर्दर मैंडेटरी वन एंड मैंडेटरी मैनी, एंड देन आपके पास सेकेंड जो है वो ऑप्शनल वन एंड ऑप्शनल मैनी। इस तरह का जो जो एसोसिएशन है कंस्ट्रेंट्स की वो हो सकती है। अब बेटे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो हमें समझ लग गया है कि वो हमारे पास रूल्स हैं या हमारे पास लिमिट है कि आप इतने जो हैं वो एक रिलेशन में इतनी एंटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर आप मैंडेटरी वन की बात करते हैं तो बेटे ये देखिए डायमंड शेप हमारी रिप्रेजेंट कर रही है रिलेशन को, ठीक है? और मैंडेटरी वन के लिए बेटा ये स्पेसिफिक सिंबल यूज़ किया जाता है, ये डबल लाइन जो आपको नज़र आ रही है जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है। बेटे मैंडेटरी वन का मतलब ये है कि इस एंटिटी, ये जो एंटिटी है इसका कम से कम एक रिलेशन होगा, ठीक है? एक रिलेशन होगा इसका, मैंडेटरी वन मतलब एक रिलेशन इसका लाजमी है, ठीक है? मैंडेटरी मैनी इसका मतलब ये है कि ये रिलेशन है और इस रिलेशन के साथ हमारे मैनी जो है वो इंस्टेंस के साथ रिलेशन क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है? ये हमारे पास दो रूल हैं मैंडेटरी के, ठीक है? मैंडेटरी का मतलब है ज़रूरी,
इसको आप इम्पोर्टेंट समझ लें या नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं, इसको आप ज़रूरी जस्ट समझ लें कि ये आपके पास जो है जहाँ पर ये साइन आपको शो होगा या जहाँ पर आपके पास कोई सिनेरियो ऐसा आता है जिसमें आपने ये रिप्रेजेंट करना है कि कम अज़ कम यहाँ पे ये जो हमारी एंटिटी है इसमें एक जो है वो मैनिडेटरी रिलेशन है, उसके लिए आप ये जो है वो सिंबल यूज़ करेंगे। और अगर आपके पास एक एंटिटी है और उसमें आपके पास मैनी रिलेशन बन रहे हैं, मोर देन वन रिलेशन जो है उसकी एसोसिएशन हो रही है, तो देन बेटा आप उसके लिए ये सिंबल यूज़ करेंगे। इसको हम कैट फिट जो है सिंबल भी कहते हैं, ठीक है। ये जो सिंबल जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है इसको कैट फिट सिंबल भी कहते हैं। ऑप्शनल बेटा, ऑप्शनल का जो स्पेसिफिक सिंबल है ये आपके पास जो एंटिटी के साथ शो हो रहा है इसको हम कहते हैं ये स्पेसिफिक सिंबल है। ऑप्शनल वन का मतलब है कि